परिवेश परिवर्तन को नहीं एमएससीआई रा पदक्षेप परे अदानी ग्रुप रा स्पष्टीकरण अदानी पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन एमएससीआई रा परिवेश परिवर्तन मानरे तले स्थान पाइथिबार असंतोष प्रकाश करिछि कंपनी। परिवेश परिवर्तन को नहीं एमएससीआईआर रा पदक्षेप परे अदानी ग्रुप रा स्पष्टीकरण अदानी पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन एमएससीआईआर परिवेश परिवर्तन मानक तले स्थान पाइथिबारो असंतोष प्रकाश करिछि कंपनी। प्रतिक्रिया रे कंपनी कहिछि 15 मासरु अधिक समय पूर्वरु 2025 सुधा कार्बन न्यूट्रलिटी पई एपीएससीजेड एहारो शिल्पठारु बहु आगरे अछि। एहा सहित लक्ष्य हासिल पई विज्ञान आधारित पदक्षेप गुडीको निया जाइथिबा नै कंपनी प्रतिबद्ध बोली स्पष्टीकरण रे कहिछि। Q3 रे एमएससीआई रो ईएसई विवाद रिपोर्ट उत्तर रे एपीएससीजेड पक्षरु एमएससीआई को स्पष्टीकरण रे कहा जाइछि जे कारमाइकेल खणी रे एहारो कोनोसी अंशधन नाही एवं एहा उभय बोडेन रेल एवं एनक्यूएक्सटी रु एहारो अंशधन प्रतिहार करि सरिछि। एहि प्रसंग रे एमएससीआई को एक स्मारक पत्र मध्य पठा जाइथिबा कंपनी पक्षरु कहा जाइछि। तथापि एमएससीआई तथ्य को अंतर्भुक्त करबाकु किंबा आपसेज को उपयुक्त प्रतिक्रिया देबाकु व्यग्रता देखाउ नाही। एमएससीआई रो निष्पत्ति सही मानक हाथ रे खेलना साजिथिबा परि देखा जाउछि। जे माने सबुज पदक्षेप को बदलाइबाकु चाहुछंती जेउति पई अदानी ग्रुप जनसाधारण निकट रे देइथिबा प्रतिश्रुति मुताबक विश्व रे अग्रणी सबुज बंदर ऑपरेटर को प्रतिष्ठा को खुर्ना करूछि। मार्केट फोर्स ऑस्ट्रेलिया रे वेबसाइट रु 9 सेप्टेम्बर रे मिलिथिबा ईमेल रु जणा पडिछि जहाँ अदानी व्यवसाय विरोध रे प्रचार करूछि। एहा सूचाउछि जे एमएससीआईआर इंडेक्स रु एपीएससीजेड बात पड़िबा ने पूर्वरु एमएससीआईआर सूचना दे सरछि। एथिरु स्पष्ट होछि एहा एपीएससीजेड रो वैध व्यवसायिक स्वार्थ को खुर्ना करबाकु एक प्रयास। एमएससीआईआर ग्रहण करिथिबा अप्राकृतिक पद्धति आमको विस्मित करिथिबा कंपनी कहिछि। आपसेज एमएससीआईआर सूचकांक रे अंतर्भुक्त थिला जेतेबेले एही स्टॉक गुडी को पाखरे रखिथिला एवं एही स्टॉक गुडी को प्रत्याहार करिनेबा परे इंडेक्स रु बाहर करि दिया जाइछि। एहिपरि एक अस्पष्ट प्रक्रिया निराश करिथिबा अदानी ग्रुप पक्षरु स्पष्टीकरण रे कहा जाइछि। एपीएससीजेड रो मैनेजमेंट निरंतर भाव विभिन्न स्टेक होल्डर विशेषकर स्थिरता केंद्रिक निवेशक एवं ईएससी रेटिंग एजेंसी सह जोजोग्रे कंपनी पक्षर कहु। रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।